हेलो गाइस, आज तारीख हो चुकी है 2 मार्च 2022। फ्रेंड्स, आईपीएल 2022 के लेकर कुछ आज इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं। बात करेंगे, गुजरात टाइटंस को लगा है तगड़ा झटका। उनके विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज जेसन रॉय हो चुके हैं 2022 आईपीएल से बाहर। जानेंगे कारण क्या रहा आईपीएल से बाहर होने का। वहीं बात करेंगे आईपीएल शेड्यूल को लेकर। वहीं बात करेंगे बढ़ाया का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। सारी चीज़ें आपको डिटेल में क्लियर करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले बात करेंगे जेसन रॉय। बायो बबल फटीक से परेशान होकर आईपीएल 2022 से अपना नाम वापस ले लिया है। कुल मिलाकर गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा है। वहीं इनके रिप्लेसमेंट के रूप में अब रिपोर्ट्स के अनुसार ऑस्ट्रेलिया विस्फोटक बल्लेबाज बेन मैकडरमट का नाम आ रहा है। वहीं भारत के खिलाफ सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले दशुन शनका का भी नाम सामने आ रहा है। कुल मिलाकर बेन मैकडरमट का नाम सबसे ऊपर है क्योंकि वो ओपनिंग बल्लेबाज हैं। वहीं बात करें आज की दूसरी बड़ी अपडेट्स को लेकर। रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल 2022 का शेड्यूल शनिवार को यानी 5 मार्च 2022 को जारी कर दिया जाएगा, जिसकी अपडेट आपको नेशनल क्रिकेट या माई टेलीग्राम का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सबसे पहले वहां पर अपडेट्स मिल जाएगी। वहीं बात करें आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। वहीं 26 मार्च से आईपीएल 2022 शुरू होने वाला है। फ्रेंड्स, इस बार आईपीएल इतिहास में पहली बार स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 2.5 मिनट से बढ़ाकर 3 मिनट कर दिया गया है। कुल मिलाकर टीमों को अब आधा मिनट ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि जीत की रणनीति बनाने में, स्ट्रेटेजी बनाने में उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है इस बार। तो वहीं बात करें आईपीएल 2022 टाइमिंग को लेकर। इस बार आईपीएल के मुकाबले 4 बजे और 8 बजे शुरू होंगे। कुल मिलाकर जिस दिन डबल हेडर मुकाबले होंगे उस दिन 4 बजे मैच शुरू होगा पहला मैच, वहीं दूसरा मैच 8 बजे और बाकी दिन जो सिंगल मुकाबला खेला जाएगा वो 8 बजे शुरू होगा। कुल मिलाकर एक बार फिर से हमें वही पुराना टाइम देखने को मिलेगा। वहीं बात करें आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से शुरू होने वाला है। जो पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर के बीच खेला जाएगा। आपके अकॉर्डिंग कौन जीतने वाला पहला मुकाबला, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।